चंडीगढ़ विच बीते 27 मार्च तो स्मार्ट कैमरा फंक्शनल है। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ विच इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया सी। इस दे तहत शहर भर विच 2200 हाईटेक कैमरे लगाए गए सी, जो चंडीगढ़ के सारे एंट्री ते एग्जिट पॉइंट से लगाए गए ने। 27 मार्च तो लै के हुण तक शहर की हर गतिविधि ते पुलिस वल्लों बस इन्हां कैमरिया के जरिए ही नज़र रखी जा रही है। तो जो लोग ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते उन्हां दे चलान किए जा रहे ने। तुहानूं इह जाण के हैरानी होवेगी कि इन्हां स्मार्ट कैमरिया दे नाल हुण तक 88,000 चलान हो चुके ने। इन्हां दी गिणती आने वाले समय विच वध भी सकती है। इस नूं लै के पंजाब के सी टीवी दी टीम ने SSP ट्रैफिक मनीषा चौधरी दी नाल खास गलबात कीती। तो उन्हां तों पुछया कि लोग चंडीगढ़ विच वध ट्रैफिक नियमां नूं तोड़दे ने, तां उन्हां दा कहना है कि हुण स्मार्ट कैमरे लगण नाल लोक काफ़ी अनुशासित हो गए ने ते हुण उह नियमां दा पालन भी करदे नज़र आ रहे ने। शहर दीआं सड़कां ते दिन होवे या रात होवे, लोक ट्रैफिक नियमां दा पालन कर रहे ने, पर हुण तक उह इन्हां कैमरिआं तों 88,000 तों वध लोकां दे चलान कर चुके ने ते इह चलान सिर्फ 2 ऑफेंस दे ने, जिस विच रैड लाइट जंप करना ते ओवर स्पीड नाल वाहन चलाउणा है। देखिए, हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ने 27 मार्च को लॉन्च किया था, और उसके बाद से हमारे अभी जो एट प्रेजेंट हमारे जो कैमराज हैं 40 जंक्शंस पे अलग अलग कैमराज लगे हुए हैं। शहर के जितने भी एंट्री एग्जिट्स हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन पे भी कैमराज लगे हुए हैं। और अभी आज तक हमारे तकरीबन 88,000 चलान और वायलेशंस जो हैं वो कैप्चर हो चुके हैं, ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, जिनके चलान हम जनरेट कर चुके हैं। और ये चलान 2 कैटेगरीज़ के हैं, स्पीडिंग एंड रेड लाइट जंपिंग। तो और इसके अलावा जो और भी एडिशनल वायलेशंस हैं, जैसे कि ड्राइविंग या राइडिंग विदाउट हेलमेट फॉर अ टू व्हीलर ड्राइवर, और ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट, या यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, इस तरह के ऑफेंसेस भी हमने स्मार्ट सिटी से टेकअप किया हुआ है कि ये ऑफेंसेस भी हमें कैमरा से कैप्चर हों, एटलीस्ट जिन जंक्शंस पे जहाँ पे स्मार्ट सिटी के कैमरास लगे हुए हैं। इसके बारे में अभी काम चल रहा है। देखिए, कैमरे में वही वायलेशन कैप्चर हो रहे हैं जो हो रहे हैं, बट कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो वायलेशन जो है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो। तो हमारे पास ऑप्शन है कि उस वायलेशन को हम हमारे जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं बिफोर इशूइंग दी चलान, वो उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका नंबर प्लेट एक्यूरेटली नहीं कैप्चर हो पा रहा है या इनकम्प्लीट कैप्चर हो पा रहा है, तो ऐसे चलान्स को हम जनरेट करके इशू नहीं करते। सिर्फ वही चलान जिनमें व्हीकल का नंबर क्लियरली है, वायलेशन बिल्कुल क्लियर है, उन्हीं चलान्स को हम इशू करते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगी कि काफ़ी कमी आई है, जो अब अगर आप बात करें स्पेशली जो वायलेशन हैं, जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है, और लोगों में एक सेल्फ अवेयरनेस भी हुई है कैमरास की वजह से, एक सेल्फ डिसिप्लिन लोगों में आया है कि रेड लाइट जंपिंग भी कम हुई है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के वायलेशन भी कम हुए हैं। बट फिर भी अभी नंबर्स काफ़ी हाई हैं, जिससे पता चल रहा है कि लोग अभी भी जो है स्पीड लिमिट्स को वायलेट कर रहे हैं और रेड लाइट जंपिंग भी अभी कर रहे हैं। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे जैसे लोगों में और अवेयरनेस बढ़ेगी कैमराज के बारे में, एक एक कल्चर जो है सेल्फ डिसिप्लिन का, वो लोगों में आएगा और लोग अपने आप ही ट्रैफिक रूल्स की कंप्लायंस करेंगे, और हमारे नंबर्स, मैं तब उम्मीद करती हूँ कि वायलेशन के नंबर्स हमारे काफ़ी कम होंगे। SSP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ KCTV ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।